हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है आपकी तैयारी के लिए, वो है क्लास सिक्स की ज्योग्राफी यानी भूगोल का एमसीक्यू हम करेंगे चैप्टर वाइज। तो हमारा आज के वीडियो का पहला चैप्टर का पहला प्रश्न क्या है, चैप्टर है हमारा सौर मंडल। पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल, उसमें देखो पहला प्रश्न क्या है कि निम्न प्रश्नों के उसमें उत्तर आपको देने हैं। तो पहला है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो जो ग्रहों के नाम हैं वो ये सारे क्रम में हैं, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, ये आपके ग्रहों के नाम हैं। नेक्स्ट क्या है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का मिलान करना है। तो देखिए ये ऑलरेडी पहले से ही करेक्ट है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर आप सबको पता है कि जल की मात्रा अधिक है, इसलिए उसको दूर से देखने पर वो नीला दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आकाशगंगा क्या है, लाखों ताराओं का एक समूह है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है, लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड। देखिए लाखों ताराओं के जो तारा के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा, और जो लाखों आकाशगंगा का समूह होता है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। पहला ग्रह कि सम दिवारात्रि होती है 21 मार्च 23 सितंबर को, इसका आपका तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी रहती है, तो 23 डिग्री झुकी रहती है। नेक्स्ट क्या है, शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है, इसका आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां सालों साल गर्मी पड़ती है या साल भर गर्मी पड़ती है वहां पर जो वहां का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। नेक्स्ट है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला देखो, खाली जगहों को भरिए। पहला इसका क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। अगला क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। तो आपसे ये अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो दिन रात होता है पृथ्वी पर वो किसके कारण होता है, तो वो पृथ्वी के ही घूर्णन गति के कारण होता है जिससे दिन रात होता है। नेक्स्ट क्या है, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर कैसी पड़ती हैं, तो साल भर सीधी पड़ती हैं। अगला क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। एक आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो वो लोग ये जान ले कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन्हें नहीं पता है, स्पेशली उनको। अगला चैप्टर है तीसरा, पृथ्वी के परिमंडल। पहला प्रश्न क्या है इसका, जीवन पनपता है कहाँ, जैव मंडल पर जीवन पनपता है, जहाँ पर उसको वायु, स्थल और जल सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वहाँ पर उसको जैव मंडल होता है जिससे वहाँ पर जीवन पनपता है। अगला क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। देखिए पहले व्यक्ति पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग, और अगर पहले भारतीय पूछे तो वो आपके हो जाएंगे राकेश शर्मा। अगला है, जल डमरू मध्य जोड़ता है दो बड़े जल भागों को। बहुत से सारे लोगों को जल डमरू मध्य का अर्थ नहीं क्लियर होता है, तो उसका क्या होता है मतलब कि दो बड़े जल भागों को जोड़ता है जल डमरू मध्य जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या है,
कि समता मंडल होता है वायुमंडल में, आपका तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्या है, खाली जगहों को भरना है। पहला है स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थली भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थली संधि कहते हैं। सकरा भाग, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थली भागों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है, पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे जल संधि कहा जाता है या कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा पर ना ही हवा ना ही पानी, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अगला चैप्टर है फोर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है उन्हें देखो। पहला क्या है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों से होकर वो गुजरती है, आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है वाल्मीकि नगर। अगला क्या प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी। अगला क्या है, पठार के ऊपर की सतह होती है कैसी, सपाट। जो पठार होता है उसकी जो ऊपरी सतह कैसी होती है, सपाट होती है, आपका इसका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्वतों के तीन प्रकार होते हैं, आपका इसका गा राइट हो जाएगा, यानी तीसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, खाली स्थानों को भरना है। इसमें भी बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। नेक्स्ट क्या है, तिब्बत के जो पठार को संसार का छत कहा जाता है, तो तिब्बत संसार का छत किसे कहते हैं, तिब्बत के पठार को। अगला देखो, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। जो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला होती है उसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल के उदाहरण है। जो शिमला और कश्मीर के देश के प्रमुख क्या है, पर्वतीय पर्यटन स्थल के वो उदाहरण है। अगला क्या है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के मुख्य कारण बढ़ती क्या है, प्रदूषण है। अगला चैप्टर आपका फिफ्थ है, दिशाएं क्रिया। इसमें आपका पहला क्या है, भारत के नक्शे में से विभिन्न दिशाओं में स्थित स्थानों के पहचान कर दिशाओं के सामने उनका नाम अंकित करना है। देखिए डायरेक्शन से आपसे प्रश्न हर एग्जाम में मोस्टली आजकल तो पूछा जाता है, अगर स्टेट है तो उसके पूरब से पश्चिम, यहाँ ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या है, नेपाल भूटान तथा हिमालय पहाड़ है। इसके बाद दक्षिण में क्या है, श्रीलंका तथा हिंद महासागर। पूरब में बांग्लादेश तथा बंगाल की खाड़ियां और पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान तथा अरब सागर। ये भारत के नक्शे की दिशाओं के अकॉर्डिंग है। अगला चैप्टर है सिक्स, पृथ्वी और ग्लोब। तो देखो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है 4 मिनट का, आपका पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, कर्क रेखा है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। फिर नेक्स्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है, आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। अगला चैप्टर है 7, मानचित्र अध्ययन। तो मानचित्र अध्ययन का पहला प्रश्न क्या है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए 3 मानचित्र प्रमुख हैं। पहला भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और सिमेट्रिक मानचित्र। देखिए भौतिक मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्वत, पठार, मैदान, महासागर तथा नदी और झीलें दर्शाई जाती हैं, इसलिए इसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखो राजनीतिक मानचित्रों में क्या रहता है, राजनीतिक मानचित्र में गांव, नगर, राज्य, देश तथा महाद्वीप दिखाए जाते हैं। और सिमेटिक मानचित्र में क्या है, जलवायु, उपज, वन, जनसंख्या आदि को दिखाया जाता है। तो आप ये मानचित्र के जो 3 भाग हैं उनका
का डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। आपसे ऐसे जरूर प्रश्न पूछ सकता है कि गांव, नगर, राज्य, जैसे पूछ रहे कि राज्य देश किस मानचित्र के द्वारा दिखाया जाता है, तो वो आपका राजनीतिक मानचित्र होता है। और जैसे पूछे जाए कि जलवायु, उपज, वन, जनसंख्या किस मानचित्र में दिखाते हैं, तो उसे सीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं। अगला चैप्टर आपका है 8, हमारा राज्य बिहार। इसका पहला प्रश्न क्या है कि रवि फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है पटना से पूर्व में, आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सोमेश्वर पहाड़ियां हैं तराई क्षेत्र में, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, खरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, आपका इसका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी, आपका इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। सेकंड क्या है, प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न पहला क्या है, बिहार की चौहद्दी लिखनी है। उत्तर में आप देखिए बिहार के चारों चौहद्दी का मतलब चारों दिशाओं में बिहार के क्या है, तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अगला चैप्टर है 9 नंबर, बिहार दर्शन। इसमें देखिए खाली स्थान भरना है। पहला क्या है, पितृपक्ष का मेला अश्विन के कृष्ण पक्ष में लगता है, तो आप ये याद रखिएगा पितृपक्ष का जो मेला है वो अश्विन के कृष्ण पक्ष में लगता है। अगला क्या है, महाबोधि मंदिर के निकट सुचलिंद सरोवर है, तो जो महाबोधि मंदिर है उसके निकट पे कौन सा सरोवर है, सुचलिंद। नेक्स्ट क्या है, पावापुरी में जल मंदिर है। नेक्स्ट है महावीर में पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था महावीर ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो था पावापुरी आपका। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। नेक्स्ट क्या है, सही मिलान करना है, मुचलिंद सरोवर जो है वो आपका बोधगया में है, रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद शांति स्तूप राजगीर की पहाड़ियों में है और ककोला जलप्रपात नवादा जिले में आपके बिहार के है। अगला प्रश्न देखो, उचित विकल्प सही का चिन्ह लगाना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोधगया में, आपका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो विष्णुपद मंदिर है वो बनवाया था रानी अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में जो गर्म जलकुंड अवस्थित है राजगीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ककोला प्रसिद्ध है किस लिए, ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जरासंघ का अखाड़ा अवस्थित है राजगीर में, आपका इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 10 है बिहार दर्शन, ये भी देखो खाली जगहों को भरना है। इसका पहला क्या है, तख्त श्री हरि मंदिर पटना सिटी में अवस्थित है, शेरशाह का मकबरा अष्टकोणी है, कैसा है, अष्टकोणी है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉर्ड रेलवे दिल्ली हावड़ा को जोड़ती है, तो ग्रैंड कॉर्ड जो रेलवे है वो किसे जोड़ती है, दिल्ली से हावड़ा। नेक्स्ट क्या है, गोलघर का निर्माण जो था जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था, तो गोलघर में क्या है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या किया जाता है, गोलघर में अनाज का भंडारण किया जाता है, तो गोलघर का जो निर्माण करवाया था जॉन गॉलस्टीन ने करवाया था। नेक्स्ट है दीदारगंज में याक्षुड़ी की मूर्ति मिली, याक्षुड़ी जो है उनकी मूर्ति मिली थी दीदारगंज में। अगला क्या है, सही मिलान करें, लेकिन लंगर का मतलब होता है निशुल्क भोजन, आपसे ऐसे पूछ सकता है ये प्रश्न, तो आपका भूगोल का तो है ही, इसके साथ अब ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि लंगर का अर्थ निशुल्क भोजन। पटना संग्रहालय राजेंद्र कक्ष, पटना संग्रहालय में एक राजेंद्र कक्ष है। गोल घर का मतलब अनाज का भंडारण, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, रोहतास क्या है सासाराम, ठीक है। अगला देखो क्या है, सही कथन में सही का चिन्ह लगाएं, यानी ट्रू फॉल्स आपको यहाँ कुछ करने हैं। पहला है शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पर कब्जा किया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पटना से गया को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन ग्रैंड कॉर्ड लाइन कहलाती है ये गलत है, अभी हमने ऊपर पढ़ा।
कि जो ग्रैंड कॉर्ड लाइन है वो दिल्ली से हावड़ा को जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है, पटना का गोलघर कैप्टन, देखिए पटना से नेक्स्ट क्या था हम पढ़ रहे थे रूफस, पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने बनवाया था, ये आपका राइट है। पत्थर की मूर्ति याश्री पटना के दीदारगंज में मिली थी, ये भी आपका राइट हो जाएगा। एंड गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी कहलाता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आज का फ्रेंड्स आपका क्लासेस की भूगोल जो थी वो फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी जो तैयारी चल रही है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन चलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड खुश रहिए।